ओम शांति। इस देह का नाम भिक्षुणी। मैं टीचिंग प्रोफेशन में था तो अभी रिटायर हो चुका हूँ, 1.5 साल हो चुका है। तो मुझे ज्ञान में चलते हुए कोई 30 साल हो चुके हैं। मैं 1991 से ज्ञान में चला हुआ हूँ निरंतर तौर पर। जहाँ तक ज्ञान में चलने का संबंध है, सबसे पहले बीज तो मेरे को 1976 में पढ़ चुका था जब मैं केवल 6 क्लास में था। तो उस वक्त मैं 3-4 महीने तक चला था, पर घर वालों की बंदिश के कारण से, पढ़ाई के कारण से, मैं उस वक्त ज्ञान से हट चुका था। लेकिन फिर 1991 में मैं फिर से ज्ञान में चला। तो मैं अदर कुमार हूँ, तो 1991 से मैं अभी तक ज्ञान में चला हूँ। तो हम कितने खुशनसीब आत्मा है, कितने भाग्यशाली आत्मा है, पद्म पद्म भाग्यशाली आत्मा है कि स्वयं परमात्मा ने हमारे को चुना। इस बात का हमारे को सदा गर्व रहता है स्वयं पर। तो बाबा ने, हमने वो टाइम भी देखा कि जब शुरू में सिर्फ मधुबन में ही सेवा चलती थी, तो सबसे पहले बाबा मैंने मधुबन में जब आए थे तो उस वक्त मैंने अनुभव किया था। और उसके बाद केवल मधुबन ही था, उसके बाद ज्ञान सरोवर बना तो भी मैंने आँखों द्वारा देखा गया, और शांतिवन, वो सब कुछ इन आँखों को नसीब हुआ देखने के लिए। तो मैं अपने आप को बड़ा पद्मा पद्म भाग्यशाली आत्मा समझता हूँ कि मुझे इतना सौभाग्य मिला। तो जहाँ तक मेरे व्यक्तिगत अनुभव का संबंध है, तो शुरू में ज्ञान में जैसे 1991 में चला, तो उस वक्त इतना उमंग उत्साह था कि हम सुबह शाम दोनों वक्त क्लास करते थे। हालांकि जो हमारा सेंटर था वो घर से 3-4 किलोमीटर दूर है, हमारा घर पहाड़ी पर है, स्थित है। तो वहाँ से मेरे भाई, दो भाई भी ज्ञान में चले हुए हैं, हम सुबह और शाम दोनों वक्त क्लास करने आते थे और 9-9 बजे तक आश्रम रहते थे। तो हमारे को बाबा की इतनी लिफ्ट मिली हुई थी, हमारे को ये पता नहीं लग रहा कि दिन हो रहा कि रात हो रहा है। बल्कि एक बार तो बर्फ़ भी पड़ रहा था और बर्फ़ में अब चले हुए हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो हम जिसको भी शुरू में जो बाबा की श्रीमत अनुसार, जैसे बाबा बोलता है कि बिना, जब तक दूसरे को ज्ञान नहीं सुनाया तब तक खाना भी नहीं खाना। तो हम हर रोज़ किसी न किसी को ज्ञान जरूर सुनाते थे, जो भी आगे मिले उसको ज्ञान सुनाते थे। और सबके ऊपर इतना प्रभाव पड़ता था, शुरू में जिसको भी ज्ञान में देने के देता था सबके ऊपर इतना असर पड़ता था। और इसका असर ये हुआ कि हमारे गाँव से ही कोई 10-15 व्यक्ति, भाई बहनें ज्ञान में चलना शुरू हो गए। हम 10-15 भाई बहन ही क्लास में आते थे सुबह और शाम। और उसके बाद तो सेंटर की जो बहन सुषमा बहन जी, उन्होंने बड़ा सहयोग दिया। उन्होंने हमारे गांव में 7 दिन का कोर्स कराया, जिसमें कोई 40-50 भाई बहनों ने उसको अटेंड किया, उसका लाभ उठाया। तो ज्ञान में चलते हमारे को इतना उमंग साथ, जहाँ भी हमारे को सेवा के लिए भेजते थे वहाँ हम जाते थे। उस वक्त हालांकि मैं सर्विस में नहीं था, और बड़े उमंग साथ से जहाँ भी हमारे को सेवा के लिए भेजते थे वहाँ हम जाते थे। और बाबा की इतनी लिफ्ट मिलती थी, हमारे जरा से संकल्प अगर ये आता था कि बाबा कहीं थक जाते थे मान लो दूर दूर पैदल चल के, कि हमारे को कोई लिफ्ट मिल जाए। और हैरानी की बात ये होती थी कि 1 मिनट के अंदर हमारे को लिफ्ट मिल जाती थी। हमारे को बड़ा हैरानी होती थी कि बाबा कितना हमारा साथ दे रहा है, हर कदम पर बाबा का साथ हमारे को मिलता जा रहा है। तो हम इतने उमंग उत्साह में थे। उसके बाद मेरे जीवन में बड़ा घटना भी घटी। 1993 में मेरी युगल एक ट्रेनिंग पर जा रही थी बस से, तो बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई और जिसमें मेरी युगल की डेथ हो गई। तो वो ऐसा क्षण था, पर बाबा की मेरे को बहुत ज़्यादा लिफ्ट थी।
मेरी दो बच्चे जो दो लड़कियां हैं, उस वक्त एक छोटी लड़की तो केवल 1.5 साल की उम्र थी और बड़ी लड़की केवल 2.5 साल की। तो इतना होते हुए भी मेरे आंखों से एक भी आंसू नहीं आया, क्योंकि मैंने अपने आप को ज्ञान से इतना पक्का कर चुका था। और सुषमा बहन भी बार बार जैसे क्लास में हमारे को बताते रहते थे कि हमारे को अपने परीक्षा के लिए तैयार रहना चाहिए, कभी कुछ भी घटना घट सकती है। तो मैं अंदर ही अंदर उसको करता था। और जब ये घटना घटी तो मेरे सारा ध्यान बाबा की ओर डाइवर्ट कर दिया। मैंने देखा, मैं क्या अब उस आत्मा का वो शरीर तो है नहीं, वो तो एक आत्मा है, तो क्यों ना हम आत्मा को याद न करने के स्थान पर, क्योंकि परमात्मा को याद करें जैसे शक्ति मिलेगी। तो मेरा सारा ध्यान दूसरी ओर डाइवर्ट कर दिया। और बच्चे जो मेरे से पूछते थे कि हमारी माता कहाँ है, तो मैंने बोला कि आज से मैं ही तुम्हारी माता भी हूँ और मैं ही तुम्हारा पिता भी हूँ। तो उस रूम में मैं उनको पाला। और उस वक्त मैं सर्विस में नहीं था, सर्विस में बाद लगा, बाबा कैसी कृपा हुई कि धीरे धीरे मैं पहले प्राइवेट स्कूल में लगा, उसके बाद गवर्नमेंट स्कूल में मैं कॉन्ट्रैक्ट पर टीचर लगा और बाद में रेगुलर हुआ। तो ये बाबा की कृपा से ये संभव हो पाया। और बच्चे भी धीरे धीरे सारे उन्होंने पढ़ाई की, पूरे आज्ञा अनुसार चले, वो भी माउंट आबू 5-6 बार मेरे साथ चली दोनों बच्चियाँ। और बड़े और कभी मैं हैरानी की बात ये हुई कि मैंने उनको ये कहा था शुरू में जब युगल की डेथ हुई कि भी अब वो ना हमारे को जब हम आगे जाएंगे ना स्वर्ग में तब मिलेगी हमारे को। तो बच्ची बोलेंगे अच्छा वहाँ मिल जाएंगे तब तो कोई दुख की बात नहीं है। तो फिर उसके बाद उन्होंने कभी याद नहीं किया मदर को। और उन्होंने बड़े लगन से पढ़ाई की और दोनों बच्चों को मैंने जहाँ तक वो पढ़ सकती थी, एक ने एम फार्मा किया, एक ने एम बी ए की। तो ये और इस दोनों सर्विस में लगी। तो ये बाबा के कृपा से सब संभव हुआ। मैं तो बाबा का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने मेरे ऊपर छत्रछाया बन करके कृपा की। हर घड़ी ये महसूस होता है कि बाबा की हमेशा हेल्प रहती है। ऐसी दौरान में सर्विस में भी आपको इसका एग्जांपल बताना चाहता हूँ कि हमेशा जैसे बोलते हैं भी हमारे को खान पान का जैसे सात्विक आहार हम करते हैं, तो हमारे को हमारे साथी भी कहते थे कि आपको दिक्कत नहीं आती इसमें फिर अगर बाहर जाना हो, तो बाबा की कृपा से कभी भी कोई दिक्कत नहीं आई। मेरी कोई 4-5 बार इलेक्शन ड्यूटी लगी, हैरानी की बात कि पहली बार जब मेरी ड्यूटी लगी नालागढ़ में, तो वहाँ जब ड्यूटी लगने लगी थी कंप्यूटर द्वारा सबकी कि किसकी ड्यूटी कहीं लग रही दूर दूर इलाके में कभी किसकी कहीं, तो हमने नालागढ़ में भी सेवा की हुई थी एक गांव में, वहाँ परिवार पूरा चलता था ज्ञान में। तो मेरे को वैसे ही ख्याल आया कि अगर मैं उस गांव में लगे ना ड्यूटी तो कितना अच्छा होगा। और हैरानी की बात यह कि बाबा ने भी मेरी ड्यूटी वहाँ लगाई। मैं बड़ा हैरान रह गया कि बाबा का कमाल, देखो उसी गाँव में मेरी ड्यूटी लगी और उस परिवार में मेरा पूरा सहयोग किया, उन्होंने मेरा खाना पीना दिन में सब चीज़ का ब्रेकफास्ट का पूरा ध्यान रखा। और यही नहीं सिर्फ ये तो एक बार को तो इत्तेफाक किया कहा जा सकता है, लेकिन दूसरी बार फिर जब मेरी इलेक्शन ड्यूटी लगी अर्की में, तो अर्की में वहाँ जब ड्यूटी लगी मैं तो बाबा को पूरा निश्चय था कि बाबा ने अपने आप अरेंजमेंट करवाना है। तो उस वक्त क्या हुआ कि ड्यूटी जब लगी कंप्यूटर द्वारा इधर लगी, कोई कहीं जा रहा कोई कहीं जा रहा आसपास के जो मेरे साथी थे, लेकिन जब मेरी ड्यूटी तो हराने के बाद जिस स्कूल में अर्की में रिहर्सल चली हुई थी मेरी वही ड्यूटी लगी और वही 5 मिनट का रास्ता था सेंटर का। तो मैं सेंटर द्वारा फिर मेरे को सब कुछ मैं वहीं ठहरा भी और वहीं मेरी उन खान पान सब कुछ उन्होंने व्यवस्था हुई। तो फिर एक बार नहीं मैं 3-4 बार मेरे को ऐसा ही हुआ। तो ये बाबा का हर दम मैं शुक्रगुजार हूँ कि हर कदम पर मेरी बाबा ने सहायता की। अब अनुभव तो बहुत अधिक है लेकिन समय कम है, इसलिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति।